मैं तारक हमीद करा साहब और जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, एमएलए भी हैं, उसके बाद हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन बल्ला जी, उसके बाद तारा चंद जी, लाल सिंह जी और जितनी भी हमारी क्यादत है इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और दिल्ली से भी हमारे इंचार्ज हैं, ये सारे लोग कल रजौरी में एक बहुत बड़ी रैली, पब्लिक रैली हो रही है, एक जलसा हो रहा है इसी डाक बंगले रजौरी में सुबह 11 बजे, 10:30-11 बजे, क्योंकि हम मेरे एमएलए बनने के बाद ये पहला पब्लिक रैली है और क्योंकि कल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, क्योंकि 26 अक्टूबर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था पूरा मुकम्मल हुआ था वो 26 अक्टूबर 1950 को हुआ था और उसके उपलक्ष्य में कल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है और उस डे को भी हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सारा प्रोग्राम जो है पहली बार इलेक्शन के बाद, क्योंकि पूरे जम्मू प्रोविंस में एक ही एमएलए कांग्रेस पार्टी का मैं रजौरी से लोगों ने जिताया, तो मेरी लीडरशिप करा साहब पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार उनका विजिट है रजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, तो मैं उसी की तैयारियां चल रही हैं और मैं आपके माध्यम से मैं अपने तमाम रजौरी वासियों से अपील करूंगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रजौरी डाक बंगला में सुबह 10:30-11 बजे से पहले पहले यहाँ शिरकत करके इस जलसे की रौनक गाह को बढ़ाएँ, क्योंकि हमने बड़ा प्रोग्राम जब भी मैं बना, बनने के बाद भी हमने सेलिब्रेशन तो की लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, क्योंकि मैं श्रीनगर चला गया, लोग चाहते थे कि बड़ा प्रोग्राम करें लेकिन मैं श्रीनगर चला गया, फिर ओथ सेरेमनी थी, उसके बाद भी फिर हमारी असेंबली सेशन लग गया, तो ये हमारा अभी मेरा प्रोग्राम हर पंचायत हर वार्ड में चल रहा है, लेकिन ये बड़ी रैली है। मैं तमाम रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से तो अपील कर ही रहा हूँ, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जलसा गाँव में आएँ, जलसे गाँव की रौनक बढ़ाएँ और जितने रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो भी गिर्दो नवा के सारे लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और आके जलसे गाँव की रौनक बढ़ाएँ।